नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस टी सीरीज में। हमारा टॉपिक है इस वीडियो में हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो जैसा कि हम इन्फ्लेशन को समझें, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और कोर इन्फ्लेशन, उनका कैसे यूज होता है सीपीआई का, डब्ल्यूपीआई का कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने में, तो उसी तरह से एक और चीज होती है, वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन किन प्रोडक्ट्स की थी? जो कोर प्रोडक्ट्स है, जिनका वॉलेटिलिटी जिनके अंदर ज्यादा नहीं है, जिनके प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंट रहते हैं, लगभग थोड़ा बहुत ही अंतर आता है, ठीक, तो वो था हमारा कोर इन्फ्लेशन का पार्ट। अब आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर जो भी चीज है सीपीआई के अंदर, जितने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फूड हो या फ्यूल हो, जो कि वॉलेटिलिटी जिसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होते हैं जो, ठीक है, अब इलास्टिसिटी क्या होती है इसको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो जो जिनका रुपए बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं वो भी इसके अंदर कैलकुलेट होते हैं, जैसा कि ये नाम बता रहा है हेडलाइन। हेडलाइन में कौन सी न्यूज आती है जो बहुत ज्यादा आई कैचिंग होती है, आउट ऑफ द बॉक्स होती है, डिफरेंट होती है, तो उसी तरह से हेडलाइन इन्फ्लेशन भी उन सारे प्रोडक्ट्सों को भी शामिल करती है जिनके अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, समझने के लिए बताया है आपको, है ना। तो इसके अंदर फूड और फ्यूल दोनों को ही कैलकुलेट किया जाता है, और बाकी के जो भी प्रोडक्ट्स कोर होते हैं वो भी इसके अंदर एड होते हैं, ठीक है। कोर के अंदर स्टील इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ये सारी चीजें कोर में आती हैं, बट हेडलाइन में इसके अलावा ऐड करके फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, फूड अलाइड प्रोडक्ट्स, फ्यूल, ठीक, ये सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इसमें सब आ जाएगा। एवरीथिंग, जो भी चीज है, जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है, एवरीथिंग से रिलेटेड, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। सीपीआई में नहीं होता, इसमें होता है, हाँ, कोर में नहीं होता, हेडलाइन में होता है। फिर नेक्स्ट चीज आती है कि इसको रिलीज कौन करता है, तो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, जो कि कोर इन्फ्लेशन को भी रिलीज करता है, और ये कितने फ्रीक्वेंटली रिलीज होता है, तो मंथली बेसिस पे ये भी हेडलाइन इन्फ्लेशन को रिलीज किया जाता है, जिस तरह से कोर इन्फ्लेशन को भी मंथली बेसिस पे रिलीज किया जाता है। इसमें यूज किसका होता है? इसके अंदर भी सीपीआई का यूज होता है, ठीक है, एक ये चीज और ध्यान रख लेना कि इसके अंदर सीपीआई का होता है, होलसेल प्राइस का यूज नहीं होता, डब्ल्यूपीआई का कहीं भी यूज नहीं होता, आरबीआई हर जगह सीपीआई को यूज करती है। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है इसके अंदर अगर आप कैलकुलेट करके, फायदा क्या होगा, मतलब इसे इतना बड़ा कैलकुलेट कर रहे हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, तो उससे फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन को देख के हम देख सकते हैं कि जो हम जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हो गए, लोअर मिडिल क्लास लोग हो गए, उनकी लाइफ स्टाइल पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर फूड और फ्यूल है, हम लोग मेनली इन चीजों के आसपास रहते हैं, ठीक है। अब जो घर बनाएगा सीमेंट का, तो असर उसके ऊपर पड़ेगा ना, उसे खरीदना पड़ेगा सीमेंट, जैसे कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है उसको जरूरत पड़ेगी सामान खरीदने की, तो उसको जरूरत है कोर प्रोडक्ट्स खरीदने की, बट एक सिंपल अपना जो जिंदगी जी रहा है उसको मेनली इसी के अराउंड रोटी कपड़ा मकान ना, तो वो सब हेडलाइन में कैलकुलेट होता है। तो इसको देखकर, हेडलाइन इन्फ्लेशन को देखकर आप एक किस तरह से आम व्यक्ति जो है उसकी लाइफ कैसे रहने वाली है लॉन्ग टर्म में, वो बता सकते हैं, जबकि कोर से इंडस्ट्रियल पीपल का क्या आने वाला है, इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगी, कितना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जो आरबीआई बताता है कि इंडस्ट्री पे इतना बोझ पड़ेगा, इतना कम होगा, तो वो कोर इन्फ्लेशन हेल्प करता है उसको बताने में। और हेडलाइन, हम जो कॉमन पीपल होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा उसको बताता है, ठीक है। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप और भी पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है, थैंक यू।